contents are used for educational purpose under fair use. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is used permanently by... हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सिस बैंक से फंड ट्रांसफर कैसे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सिस बैंक से फंड ट्रांसफर करने के लिए हमें एक्सिस बैंक में लॉगिन कर लेना है इंटरनेट बैंकिंग में। तो जैसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके नीचे आपको सिंगल पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिंगल पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास फंड ट्रांसफर का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको फंड ट्रांसफर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे फंड ट्रांसफर के बाद, माई अकाउंट्स, अदर एक्सिस बैंक अकाउंट्स, अदर बैंक अकाउंट। तो अदर एक्सिस अकाउंट का मतलब है कि अदर एक्सिस बैंक, और अदर बैंक अकाउंट्स का मतलब है कि किसी और बैंक में। तो यहाँ पर हमें जिस भी आपके बेनिफिशियरी की लिस्ट आ जाएगी उसमें से किसी एक बेनिफिशियरी को चूज़ कर लेना है, और जिस भी बेनिफिशियरी को चूज़ करना है उस अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट, और इसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे NEFT करना है, RTGS करना है, IMPS करना है। रिमार्क्स डाल लोगे आप, तो जो भी आपको रिमार्क्स डालना है आप रिमार्क्स डाल सकते हो जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हो, और सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपको सिंपल यहाँ पर वो OTP डाल देना है, और OTP डालने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रीन पे आपको बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स भी दिख जाएंगी, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्रॉस चेक करने के बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड बॉक्स में दिख रहा है, राइट हैंड साइड पर डाउनलोड का ऑप्शन है, एरो बनाया हुआ है, एरो पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।